अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो आर्टिकल है रियल एनालिसिस में वो है जी डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। तो याद रखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी, लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट यूनिक हो, ठीक है, और एग्जिस्ट का मतलब डेफिनेट नंबर हो, और फिर लिमिट जो है स्पेस को बिलोंग करे। तो इसका मतलब जब हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस की बात करेंगे तो फिर इसके अगेंस्ट होगा। एक तो हो सकता है कि लिमिट स्पेस को बिलोंग ना करे तब भी डाइवर्जेंट है, और लिमिट डेफिनेट ना हो, लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, माइनस इन्फिनिटी आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, तो तब भी जो हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। और तीसरी बात, लिमिट यूनिक ना आए, एक से ज़्यादा लिमिट्स आ जाए तब भी सीक्वेंस जो है वो हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो डाइवर्जेंट की हम दो तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं कि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब करने का मतलब क्या है कि लिमिट या तो इन्फिनिटी आती है या माइनस इन्फिनिटी आती है, ठीक है, डेफिनेट नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसलिए डाइवर्जेंट है। तो इस किस्म के डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस को हम कहते हैं प्रॉपरली डाइवर्जेंट। और दूसरा डाइवर्जेंट वो होगा कि हमारी जो लिमिट है वो यूनिक ना आए, आइसोलेट हो जाए, मतलब लिमिट जैसे माइनस वन पावर एन की बात हमने की थी तो उसमें लिमिट माइनस वन, कभी वन वन, माइनस वन वन, माइनस वन वन, वैसे जो है इवन आफ्टर अ वेरी वेरी लार्ज नंबर द बिहेवियर विल बी सेम, कि लार्ज इवन पे अगर वन आता है तो लार्ज आर्ड पे माइनस वन आएगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेट सीक्वेंस और इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। तो अगर लिमिट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगी तो हम कहेंगे ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, और अगर सीक्वेंस वैसे लिमिट यूनिक नहीं है, लिमिट डिफरेंट आ रही है, तो हम उसको ऑसिलेट कहेंगे। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि जब ऑसिलेट है तो उसके दो सब सीक्वेंसेस हो सकते हैं जिनका सम कन्वर्जेंट हो जाए, लेकिन जो प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंसेस हैं, उनका सम भी डाइवर्जेंट होगा, राइट। तो ये बातें हम प्रूव करते हैं और कुछ काउंटर एग्जांपल। सो लेट स्टार्ट डेफिनेशन। सबसे पहले हम इन्फिनिट लिमिट्स की बात करेंगे। देखिए ये क्या है, क्या सीक्वेंस है, डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी, अ सीक्वेंस एन डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, अनबाउंडेड अबव है, इफ फॉर एनी एम ग्रेटर देन, फॉर एनी का मतलब यह है कि आप जितना मर्जी आप बड़ा है एम ले लें तो एक नेचुरल नंबर जरूर आएगा कि उसके बाद जो वैल्यूज उससे भी बड़ी होना शुरू हो जाएगी। इफ एंड ओनली फॉर एनी एम पॉजिटिव देर एग्जिस्ट, देर एग्जिस्ट n star belong to n such that n जो है वो greater than m होगा for all n greater than n star, right। ये देखिए ये क्या कहते हैं कि वहां पे था for epsilon positive कि उसका ए एन माइनस एल जो है डेविएशन लेस देन, अब तो हमने बात करनी है कि हमारी वैल्यूज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सीक्वेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो अप टू इन्फिनिटी चली जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है। जैसे टू पावर एन की सीक्वेंस है, अगर हम एन को बढ़ाते जाएंगे, टू पावर टू फोर, टू पावर थ्री एट, टू पावर फोर सिक्सटीन, टू पावर थर्टी टू कितना है मुश्किल होगा, टू पावर सिक्सटी फोर कितना है मुश्किल होगा आपके लिए सॉल्व करना। तो
इस तरह से पावर बढ़ाते जाएंगे तो हम कहेंगे जी एक स्टेज के बाद आपके कैलकुलेटर कंप्यूटर सारे जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे, तो आप ऑफ कोर्स प्लस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि देयर एग्जिस्ट फॉर एनी नेचुरल नंबर एम, आप जितना मर्जी बड़ा कर लें नेचुरल नंबर, जितना भी बड़ा कर सकते हैं कर लें, लेकिन उसको फिक्स कर लें, फिक्स कर लें, बता दें कि ये है। मतलब आप हमें अमाउंट बता दें कि कितने पैसे आप देना चाहते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ या इससे भी ज़्यादा, लेकिन वाट एवर द नंबर इज इट शुड बी फिक्स्ड। जब ये फिक्स हो जाएगा तो ये आप फिर हमारी बात, फॉर एनी एम पॉजिटिव हाउएवर लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, देयर एग्जिस्ट एन स्टार, उस लाजमी आपको एक एन स्टार मिलेगा कि उसके बाद जो टर्म्स आएंगी ए एन जो है उसके बाद जो टर्म्स आएंगे उस कैपिटल एम से भी बड़ी हो जाएंगी। इसका मतलब आपकी जो सीक्वेंस की वैल्यूज है वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। एक जब जितना भी बड़ा फिक्स कर लें ये टर्म उससे भी बढ़ती जाएंगी। सो व्हाट वी विल से दैट, इसका मतलब आप ये सीक्वेंस जो है वो इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी को कन्वर्ट करता है, क्या करता है प्लस। इस तरह से लेस देन माइनस एम होगा फॉर अ लार्ज एम तो वो माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ट करेगा, राइट। तो इसका देखिए आप ये देखें कि आपने कह दिया जी बहुत बड़ा नंबर कैपिटल एम है कि सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, 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 तो वो कहता है जी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये देखें वो कहेगा जी हमारे पास ये कैपिटल एन स्टार ज़रूर आ जाएगा कि इसके बाद सीक्वेंस ये बहुत लार्ज आपने बहुत ऊपर वैल्यू उठा ली है, तो डाइवर्जेंट मीनिंग इसका मतलब एन स्टार आएगा कि इसके बाद जो है सारी टर्म इसे ऊपर चले जाएंगे। एम की लाइन तो ये है, तो यहाँ जो टर्म आएगी सीक्वेंस ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बढ़ता जा रहा है। यू सी कि अब ये कंट्रोल में नहीं है हमारे। तो वट एवर द एम लाइन यू हैव डिसाइडेड हाउएवर लार्ज एम इज, यू कैन फाइंड सम नेचुरल एन स्टार, देन आफ्टर दैट ऑल द टर्म्स मस्ट बी ग्रेटर देन दैट कैपिटल एम। तो हम कहेंगे जी कि हमारा जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है और इस सीक्वेंस को हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट कहेंगे क्योंकि इसकी लिमिट जो है प्लस इन्फिनिटी है, राइट। तो क्या हमने कैलकुलेट किया, सिंपली ये हुआ कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ ए एन ग्रेटर देन एम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन स्टार and m is very very where m is very very large, double greater zero का मतलब होता है कि very large। तो ये हमारी definition बन गई। इस तरह से दूसरी definition बनाइए minus infinity के लिए, तो हम कहेंगे ये number one होगी, number two होगी कि limit n tends to infinity a n is equal to minus infinity if and only if एन जो है लेस देन माइनस एम होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन स्टार और कैपिटल एम वेरी वेरी लार्ज। यानी कि अगर उसी लार्ज के साथ माइनस लगा देंगे तो आप नीचे चले जाएंगे, एम में ऊपर थे तो माइनस एम में नीचे आ जाएंगे और फिर कैपिटल एम स्टार ए एन उससे भी नीचे है, माइनस एम उससे भी नीचे वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हमारी जो सीक्वेंस है वो माइनस इन्फिनिटी यानी कि डाउन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज कर जाएगी, डाइवर्ज करेगी, क्योंकि अगर लिमिट इन्फिनिटी आए तो प्लस या माइनस इन्फिनिटी आए या प्लस इन्फिनिटी, तो हम कहेंगे लिमिट तो है, दीज आर द लिमिट्स, क्योंकि ये डेफिनेट लिमिट नहीं है इसलिए सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा। तो वी विल से दैट अ सीक्वेंस एन डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी If for any real number capital M, however large, there exists a natural number n star such that a n greater than m hoga for all n greater than n star, where m is however large. Similarly, a sequence a n is said to be divergent to minus infinity if and only
एन लेस देन माइनस एम होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन स्टार वेयर कैपिटल एम इज हाउएवर लार्ज, तो वो उसका चूंकि माइनस लगाने से वही जो बहुत ऊपर आपने लिखा था वही बहुत नीचे आ गया और टर्म उससे भी पीछे आ गई, उससे भी नीचे आ गई। इसका मतलब सीक्वेंस की वैल्यू कम होती होती ऑफ कोर्स ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएंगी। तो ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो उसको हम कहते हैं प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस, राइट। तो डाइवर्जेंट की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जो आइडिया है वो है डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। तो प्रॉपरली डाइवर्जेंट क्या होगा, प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी प्रॉपरली डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट इफ इट्स लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो हम कहेंगे कोई सीक्वेंस जो है वो प्रॉपरली डाइवर्जेंट है अगर उसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, राइट। तो यहाँ पे दूसरा जो आइडिया है वो क्या है, वो है जी ऑसिलेट सीक्वेंस। दूसरी डाइवर्जेंट की बात क्या, जब लिमिट यूनिक नहीं होती, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, यानी कि वो सीक्वेंस जो है वो हमारा उसको हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट नहीं कहते, उसको डाइवर्जेंट कहते हैं। देखिए जी, दो सीक्वेंसेस को हम डाइवर्जेंट कहते हैं, एक तो सीक्वेंस जिसकी लिमिट स्पेस को बिलोंग नहीं करती, तो हो सकता है इसलिए उसको प्रॉपरली डाइवर्जेंट नहीं कहते, हो सकता है उसकी बड़ी स्पेस में वो कन्वर्जेंट हो। लेकिन जो प्रॉपरली डाइवर्जेंट है जब उसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ गए फिर जहाँ मर्जी चले जाइए उसकी लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी डेफिनेट नहीं आएगी, वो कन्वर्जेंस की बात हम नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग टू वर्ड्स, वन इज डाइवर्जेंट एंड द अदर इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट। पूछ भी सकते हैं भाई डाइवर्जेंट में और प्रॉपरली डाइवर्जेंट में क्या फ़र्क है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, वो तो पहले पूछेंगे। रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंट में और कॉशी में क्या फ़र्क है, मतलब इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डाइवर्जेंट में भी फ़र्क है, एक है प्रॉपरली डाइवर्जेंट एक है डाइवर्जेंट। तो ये क्या आंसर है, ऑसिलेट OSCILLAT ऑसिलेट सीक्वेंस, यानी कि ये वो सीक्वेंस होगा जो डाइवर्जेंट हो लेकिन उसकी लिमिट प्लस माइनस इन्फिनिटी ना हो, ठीक है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस दैट डज नॉट डाइवर्जिस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। आर डाइवर्जेंट सीक्वेंस हूज लिमिट, ठीक है जी, whose limit does not tends to plus minus infinity, यानी कि ये भी डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट हमने पहले कह दिया, ऑसिलेट ऑसिलेट यू नो ऊपर नीचे जैसे माइनस वन पावर एन की सीक्वेंस थी, अगर एन जितना मर्जी लार्ज हो जाए वेरी वेरी लार्ज नेचुरल नंबर हो जाए तो उसके बाद भी इवन ऑड का सिलसिला जारी रहेगा, इवन के लिए वन और ऑड के लिए माइनस वन, लिहाजा लार्ज वेरी वेरी लार्ज के बाद भी इसकी जो सीक्वेंस है वो बिहेवियर उसका सेम नहीं आता, ठीक है, लाइन की तरह नहीं चलती, इसलिए कोई लिमिट नहीं आएगी। तो लिमिट डेफिनेट तो आ रही है दोनों लिमिट्स, माइनस वन भी डेफिनेट नंबर है, वन भी डेफिनेट नंबर है, लेकिन यूनिक नहीं है। देखिए लिमिट क्या है, इसलिए ये भी डाइवर्जेंट है, लेकिन इस डाइवर्जेंट को हम कहेंगे डाइवर्जेंट नॉट प्रॉपरली डाइवर्जेंट। प्रॉपरली डाइवर्जेंट ये नहीं है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट वो है जिसकी सीक्वेंस की लिमिट जो है या इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल माइनस वन पावर एन ये ऑसिलेट सीक्वेंस है, लेकिन ऑसिलेट सीक्वेंस के दो सब सीक्वेंसेस ढूंढे जा सकते हैं जनाब, जिनकी जो जो लिमिट्स हैं वो जिनका सम जो है वो कन्वर्जेंट हो जाए, मतलब एक सीक्वेंस जो है वो ए टू एन ले लें
और एक सीक्वेंस जो है ए टू एन प्लस वन ले लें, ये दो इसके सब सीक्वेंसेस ले लें, तो जब इनकी सम करेंगे तो इनकी सम करेंगे एक नया सीक्वेंस बनाएंगे, आप इनके सम से एक सीक्वेंस बनाए बी एन दैट इज ए टू एन प्लस ए टू एन प्लस वन, तो जब ये सीक्वेंस बनाएंगे तो आप देखेंगे तो ये जीरो की सीक्वेंस बन जाएगी, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, जीरो की सीक्वेंस है, लिहाजा ये कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब अगर दो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, दो अगर कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो उसके दो सब सीक्वेंस, मुझे लगता है मैं थोड़ा गलत कर गया, आप दो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस लें उनका सम करें, इस तरह से ना लें, आप दो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस ले लें, सॉरी नॉट लाइक दिस, इस तरह से लेना चाहिए कि ए एन जो है वो माइनस वन पावर एन ले लें और ए एन प्लस वन जो है माइनस वन पावर एन प्लस वन ले लें। नाउ बोथ आर डाइवर्जेंट, बोथ आर ऑसिलेट, बोथ आर डाइवर्जेंट, लेकिन अब जब इनकी सम करेंगे तो आप बी एन लेंगे ए एन प्लस ए एन प्लस वन दैट इज माइनस वन पावर एन प्लस माइनस वन पावर एन प्लस वन। जब आप बी वन निकालेंगे तो यहाँ से माइनस वन आएगा, यहाँ से प्लस वन आएगा, एंड सो ऑन, हर टर्म जीरो आएगी। यू विल सी दैट बी एन की जो सीक्वेंस जीरो आ जाएगी फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। सो ये बी एन जो है ये कन्वर्जेंट है, ये सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है और तमाम टर्म्स के लिए आंसर जीरो आ रहा है, लिहाजा हमारी जो बी एन की सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिंग टू जीरो। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, अगर दो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, अगर दो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं तो उनके सम कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो सकती है, लेकिन अगर दोनों प्रॉपरली डाइवर्जेंट है एंड डाइवर्जिंग टू द सेम लिमिट प्लस इन्फिनिटी, एम वन भी है ग्रेटर देन ए एन भी जो ग्रेटर देन एम है, ऑन द अदर हैंड अगर आप देखिए कि मैं ये नहीं कहता कि एक माइनस इन्फिनिटी को जाए और एक प्लस इन्फिनिटी, नहीं दोनों या माइनस इन्फिनिटी को जाएं या दोनों प्लस इन्फिनिटी को, ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट। तो अगर ए एन जो है वो भी ग्रेटर देन एम है और बी एन जो है वो भी ग्रेटर देन एम है, ठीक है, तो इसका मतलब फिर ए एन प्लस बी एन जो है वो एम वन ये एम टू है, तो ग्रेटर देन एम वन प्लस एम टू, इसको एम कह लें से, तो ये देखें इस अगर इस सीक्वेंस को मैं सी एन कहता हूँ तो सी एन एज ए सम ऑफ टू सीक्वेंस ग्रेटर देन एम है, तो ये भी प्रॉपरली डाइवर्जेंट है। इट्स अ मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि नॉर्मली लोग इसको बॉदर नहीं करते, बट रिमेंबर जो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, दो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस का सम जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन जो दो प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस एंड कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट डाइवर्जिंग टू द सेम लिमिट, उनकी जो सम है वो लाजमी डाइवर्जेंट होगी और उसी लिमिट को डाइवर्ज करेगी, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट। सो नाउ वी हैव लर्नड टू वर्ड्स, वन इज डाइवर्जेंट एंड द अदर इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कौन से हैं, सीक्वेंस की लिमिट मौजूद है लेकिन स्पेस को बिलोंग नहीं करती, इसको हम डाइवर्जेंट कहेंगे। पॉसिबल है एक बड़ी स्पेस को बिलोंग करे तो उसमें वो कन्वर्जेंट हो जाए। सिमिलरली लिमिट जो है वो दो हैं, यूनिक नहीं है, उसको भी हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे और उसको ऑसिलेट कहेंगे। जबकि ऐसी सीक्वेंस जो प्लस इन्फिनिटी को कन्वर्ज करती है या माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ज डाइवर्ज करती है, सॉरी जो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है या माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है, उनकी जो सम है इनको हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट कहेंगे। और इस ऐसे दो सीक्वेंसेस जो दोनों प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहे हैं तो उनकी सम भी प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, और अगर दो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहे हैं तो उनकी सम भी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है इसको हम ज़ीरो नहीं करेंगे, ये भी यहाँ मतलब ये मैं असल में नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये भी बात ज़रूरी है कि अगर दो एक प्लस इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रहा है, तो ये नहीं है कि प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को ज़ीरो कर दें, नो। जब दोनों का पता ही नहीं है कि हाउ लार्ज वन इज़ एंड हाउ लार्ज द अदर इज़, हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट देम बाई ट्रीटिंग इक्वली एंड टेंस टू ज़ीरो, दिस इज़ नॉट द केस। इनफैक्ट यही फैलसी है, यही फैलसी है,
और इससे आपके रिजल्ट्स जो हैं वो गलत आते हैं। ऐसा नहीं है, दैट्स वाई इन जनरल भी आप ये कह सकते हैं कि सम ऑफ टू प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट, राइट। तो चलिए छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं वो करते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीरीज। सीक्वेंस में अभी बहुत सी बातें की जा सकती हैं, मोर देन 20 लेक्चर्स जो हैं और डिलीवर किए जा सकते हैं सीक्वेंसेस के ऊपर, लेकिन हमें चूंकि आगे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं तो इसलिए जो कंटेंट हमें दिए गए हैं हम उनको देखेंगे और उनके मुताबिक चलेंगे। तो अब जो नेक्स्ट कंटेंट हमारा आ रहा है वो है जी सीरीज, राइट। सो दिस मे बी द लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग सीक्वेंस, ओके। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर। वो आपको जब आप पार्ट टू की क्लास में जाएंगे तो वहाँ एडवांस एनालिसिस में आपके साथ वो डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे आपको बताएंगे कि लिमिट इन्फीरियर क्या है, लिमिट सुपीरियर क्या है। तो वी विल डिस्कस एट दैट टाइम, अभी हम इसको आज के लेक्चर के बाद वाइंड अप करते हैं और कल इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट सीरीज, ओके। अच्छा जी, सबसे पहला रिजल्ट क्या है जी, उस पर हम आते हैं। वो है जी कि अगर लिमिट ए एन, छोटे जो रिजल्ट्स हैं मैं सारे इकट्ठे भी कर सकता हूँ। नंबर वन ये है कि लिमिट लेट लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी ए के इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी बी के, देन लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी ए के प्लस बी के, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी। ये देखिए ये बात, दिस दैट एग्जैक्टली आई वॉज डिस्कसिंग कि जी अगर एक सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी है, दूसरे की इन्फिनिटी है, तो उनके सम की लिमिट भी इन्फिनिटी होगी। द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, हमने ये बात तकरीबन कर ली है। लेट एम बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, राइट, सच डेट ए एन ग्रेटर देन एम बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन वन स्टार एंड बी एन ग्रेटर देन एम बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन टू स्टार। बिल्कुल ये वही टेक्निक है जैसे आप लेते थे कि एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई टू और बी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। तो आप चूंकि हम ग्रेटर देन एम को दिखाना चाहते हैं तो हमने एम बाई टू और एम बाई टू ले लिया, और ए एन चूंकि ये भी प्लस इन्फिनिटी को कन्वर्ज डाइवर्ज करता है, लेट्स से यू कैन फाइंड अ वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव रियल नंबर। हम ये पॉजिटिव रियल नंबर आप लिख लें लार्ज एनफ, जितना भी हो एवर लार्ज भी कह सकते हैं, जितना भी आप लार्ज लेना चाहें वो ये वो नंबर है। तो चूंकि इसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी है तो ए एन जो है वो ग्रेटर देन एम बाई टू होगा और बी एन जो है वो भी ग्रेटर देन एम बाई टू होगा व्हेन एन ग्रेटर देन वन स्टार। और फिर आप दोनों का मैक्स ले लें कि चूज एन स्टार इज ग्रेटर देन मैक्स ऑफ एन वन स्टार एन टू स्टार, देन फिर यही बात दोबारा लिख सकते हैं दोनों को एन स्टार से कंबाइन करते हुए, देन ए एन ग्रेटर देन एम बाई टू वेन एन ग्रेटर देन एन स्टार एंड बी एन ग्रेटर देन एम बाई टू वेन एन ग्रेटर देन एन स्टार, बट देन ए एन प्लस बी एन आप देखिए ग्रेटर देन एम बाई टू प्लस एम बाई टू
when n greater than n star, what does it mean? That this means that an plus bn greater than m when n greater than n star. अब डेफिनेशन लगाइए कि हमने कहा था कि अगर कोई सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी को कन्वर्ज करता है तो फिर कोई cn जो है अगर प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करता है तो फिर cn जो है ग्रेटर देन m होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन स्टार. दिस आर लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस bn जो है वो दैट इज प्लस इन्फिनिटी. दिस कम्प्लीट्स द प्रूफ. ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर दो प्रॉपर्टी डाइवर्जेंट है तो उनकी जो है जो लिमिट है वो भी इन्फिनिटी है, तो सम की लिमिट भी इन्फिनिटी होगी. नेक्स्ट आइडिया इज ओके इफ वाई के इज बाउंडेड if yk is bounded below if yk is bounded below then limit k tends to infinity xk plus yk this is plus infinity. इससे ऊपर आप लिख लें कि let x k tends to infinity, यानी कि जो x k सीक्वेंस है वो tends to infinity है, और अगर y k bounded below हो तो फिर x k plus y k जो है वो भी tends to infinity होगा. और this is one, this is second. If t greater than zero then tk tends to infinity, txk tends to infinity होगा. number three, ये कुछ results हैं तो if xk greater than zero and xk tends to zero xk tends to 0 यानी कि सारे का सारा सीक्वेंस पॉजिटिव है और उसकी लिमिट 0 है, देन 1 ओवर xk जो है वो टेंस टू इंफिनिटी है. ले जी ये तीन रिजल्ट हम देखते हैं. जो पहले वाला तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि bk जो है xk टेंस ग्रेटर देन इंफिनिटी इसलिए xk ग्रेटर देन m है, राइट. चलिए इसको प्रूव करते हैं. देखिए सिंस एक्स के टेंस टू इन्फिनिटी है सो एक्स के जो है वो ग्रेटर देन एम होगा. वट एवर एम बाई टू भी कर सकते हैं. वैन एवर के ग्रेटर देन एन स्टार सो फॉर एम पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन स्टार लाइक दिस. यू कैन से दिस इज द डेफिनेशन. नाउ सपोज वाई के इज बाउंडेड, ठीक है. आल्सो वाई के इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, ठीक है. बाउंडेड बिलो है, सिंस इट इज बाउंडेड बिलो, सिंस वाई के इज बाउंडेड बिलो. अब आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, हमने चैप्टर वन में ये डेफिनेशन पढ़ी थी बाउंडेड बिलो की. दिस शोज दैट एक मिनट, ठीक है. वाई के जो है सो सो चूज, ये इसकी जगह आप चूज कर सकते हैं m माइनस बी, नो प्रॉब्लम. वो इसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं
ताकि हम इसको एडजस्ट करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा। नाउ के ग्रेटर देन एन स्टार, नाउ इफ के ग्रेटर देन एन स्टार देन एक्स के ग्रेटर देन एम माइनस बी इम्प्लाइज, जी क्या हो जाएगा इसका अंदर, इसको उधर ले जाए और इसको इधर ले आए, ठीक है क्या होगा। और एक्स के प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन एम होगा, एंड व्हाट इज बी, बी जो लेसर इक्वल टू वाई के है, बी क्या है लेसर इक्वल टू वाई के है। सो दिस इज, इधर को देखिए, इधर से अगर बी को देखें तो बी जो है वो लेसर इक्वल टू, यहाँ से इधर को पढ़िए, एक्स के प्लस वाई के हो जाएगा, क्योंकि वाई के ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, वाई के ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं एक्स के वाई के जो है वो एक्स के प्लस बी, या अगर ऐसे आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा तो वी कैन राइट लाइक दिस। अब इसको छोड़ दिया नंबर वन। नाउ एक्स के प्लस वाई के, अब एक्स के जो है वो प्लस बी क्या होगा, प्लस बी जो है विच इज इक्वल टू, अब इनको क्रीप कर ले, वाई के प्लस एक्स के प्लस बी, अब एक्स के प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन एम है, दिस इज ग्रेटर देन वाई के प्लस एम है, एंड व्हाट इज वाई के, यू नो वाई के जो है वो यहाँ से भी सही था वैसे। सो अगर वाई के ये ग्रेटर देन, अगर वाई के प्लस एम है सो दिस इज आल्सो ग्रेटर देन एम एज वेल। तो यहाँ से ये पता चल गया कि आर एक्स के प्लस वाई के ग्रेटर देन एम कब बना, वेन के ग्रेटर देन एन स्टार था, ये हमने प्रूव कर लिया। या यहाँ से भी देखें, इधर को आप देखें तो एक्स के प्लस वाई के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि एक्स के से आ गया और वाई के और बी का रिलेशन क्लियर है, तो एक्स के प्लस वाई के जो है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्स के प्लस वाई के ग्रेटर देन एम में ले आता है, वो भी जो है वो एक्स के प्लस वाई के जो है वो टेंस टू डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी होगा। दिस मीन्स दैट आर हेंस एक्स के प्लस वाई के टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, या दूसरे लफ्जों में आप यू भी कर सकते हैं, आप देखें कि x के टेंस टू इन्फिनिटी है तो इसका मतलब x के जो है वो ग्रेटर देन m है और y के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b है। तो नाउ x के प्लस y के, देखिए वो पहले वाला अगर छोड़ दें, अगर आपको मुश्किल लग रहा है थोड़ा ट्रिकी बनाया, तो ये सीधा ही हो गया x के टेंस टू इन्फिनिटी x के ग्रेटर देन m होगा। ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन n स्टार और y के ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो क्या बनेगा, आप दोनों को मिलाइए जरा, कि एक्स के प्लस वाई के, एक्स के ग्रेटर देन एम है और वाई के ग्रेटर देन बी है, दिस इज ग्रेटर देन एम प्लस बी, तो एम प्लस बी दिस इज ग्रेटर देन एम ऑफ कोर्स, बिकॉज बी भी तो पॉजिटिव नंबर था। आर कब बोला, व्हेन एन ग्रेटर देन एन स्टार है, सो के ग्रेटर देन, हियर दिस शुड बी के, व्हेन के ग्रेटर देन एन स्टार है तो रिजल्ट इज आर एक्स के प्लस वाई के ग्रेटर देन एम व्हेन के ग्रेटर देन एन स्टार, आर लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी एक्स के प्लस वाई के जो है वो प्लस इन्फिनिटी आ गया, एंड द लास्ट वन इज, अब उसकी बात करेंगे, अगर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर जनाब आप कोई एक्स के जो है वो
डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है और टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी एक्स के भी डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है। सो सिंस नंबर टू, सिंस एक्स के डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है, सो देन फॉर एम देर एग्जिस्ट एन स्टार बिलोंग टू एन सच दैट क्या होगा एक्स के जो ग्रेटर देन एम होगा। तो अगर एम को टी किसी टी पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से डिवाइड भी कर दिया जाए, हमने टी के ऊपर शर्त रखी थी जी कि टी क्या है, टी जो है वो पॉजिटिव था, टी ग्रेटर देन जीरो था। सो दिस इम्प्लाई एक्स के कब व्हेन एन जब व्हेन के ग्रेटर देन एन स्टार होगा। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक्स के जो है ग्रेटर देन एम बाय टी एज वेल व्हेन के ग्रेटर देन एन स्टार, क्योंकि देखिए ना जी अगर एक्स के ग्रेटर देन एम है तो एक्स के ग्रेटर देन एम बाय टी भी होगा, टी जो है पॉजिटिव है एंड टी इज पॉजिटिव, चूंकि टी पॉजिटिव था लिहाजा पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से कोई मसला नहीं होता, और जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो ये फर्दर जो है वो छोटा ही होगा। और आप सपोज कर लें फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस कि टी जो है वो पॉजिटिव है, तो आप सपोज कर सकते हैं टी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ताकि हमें एम्बिग्यूटी ना रहे कि जी आप पॉइंट वाले नंबर से डिवाइड करने से बड़ा हो जाए। तो दिस इज योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। अब दिस इम्प्लाई टी एक्स के जो है वो भी ग्रेटर देन एम होगा व्हेन के ग्रेटर देन एन स्टार। तो व्हाट डज इट मीन दैट टी एक्स के ग्रेटर देन एम है तो इसका मतलब टी एक्स के की लिमिट भी इन्फिनिटी है। सो दिस इम्प्लाई लिमिट ऑफ के टेंस टू इन्फिनिटी टी एक्स के इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ले जी ये रिजल्ट भी हो गया। नेक्स्ट आइए जी नंबर रिजल्ट नंबर थ्री जो है वो ये था कि अगर एक्स के जो है वो डाइवर्जेंट है तो वन ओवर एक्स के कन्वर्जेंट, ये हमने सॉरी अगर एक्स के जो है टेंस टू इन्फिनिटी है तो वन ओवर एक्स के जो है टेंस टू ज़ीरो होगा। नंबर थ्री वो क्या है कि लेट एक्स के टेंस टू ज़ीरो, अगर ये टेंस टू ज़ीरो है तो फिर क्या है वेयर यू नो एक्स के इज पॉजिटिव, हमने कहा था कि सारे का सारा सीक्वेंस पॉजिटिव है लेकिन वो कन्वर्जिंग टू ज़ीरो है, ठीक है ओके। लेट एम ग्रेटर देन ज़ीरो चूज कर लिया अपने पॉजिटिव, सो चूज एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन ओवर एम, हम एप्सिलॉन वन ओवर एम, एम इज़ वेरी वेरी लार्ज एनफ लार्ज, तो इसलिए वन एप्सिलॉन को वन ओवर एम चूज कर सकते हैं। तो एक्स के जो है चूँकि टेंस टू ज़ीरो है तो आप डेफिनेशन लगाइए, सो देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देर एग्जिस्ट एन स्टार बिलोंग टू कैपिटल एन साइड दैट व्हाट, ये टेंस टू ज़ीरो की डेफिनेशन लगाइए एक्स के माइनस ज़ीरो मॉड और वो एक्स के रह जाएगा विच इज एक्स के विच इज ऑफ कोर्स एक्स के और लेस देन दिस लेस देन एप्सिलॉन दैट वाज वन ओवर एम, और एक्स के लेस देन वन ओवर एम कब वाला व्हेन एन ग्रेटर देन व्हेन के ग्रेटर देन एन स्टार। तो अब यू नो एक्स के ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल के, फॉर ऑल के तो लिहाजा उसकी रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगी। सो दिस इम्प्लाई वन ओवर एक्स के जो है वो ग्रेटर देन एम हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लिया वेन ओवर के ग्रेटर देन एन स्टार, सिंस एक्स के इज पॉजिटिव फॉर ऑल के, क्योंकि एक्स के पॉजिटिव था फॉर ऑल के इसलिए यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना बड़ा आसान है। तो इसका अगर आप देखिए वन ओवर के जो है ग्रेटर देन एम, इसका ये सीक्वेंस जो है टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगी। दिस शोज दैट वन ओवर एक्स के जो है वो टेंस टू प्लस इन्फिनिटी।
देखिए ये बहुत आसान है, सिंपल है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। सिमिलरली एक रिजल्ट चौथा ये भी बना सकते हैं कि अगर वन ओवर एक्स के टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है और एक्स के पॉजिटिव है तो फिर एक्स के टेंस टू ज़ीरो होगा। बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे कि वन ओवर एक्स के ग्रेटर देन एम है तो उल्टा कर लेंगे, एक्स के लेस देन वन ओवर एम है, चूज वन ओवर एम को एप्सिलॉन है तो एक्स के माइनस एप्सिलॉन जो है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, इसका मतलब एक्स के टेंस टू ज़ीरो होगा। तो सिमिलर रिजल्ट क्या बना कि अगर एक्स के पॉजिटिव है फॉर ऑल के और वन ओवर एक्स के जो है वो टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है तो देन एक्स के टेंस टू ज़ीरो होगा, ये भी रिजल्ट बनाया जा सकता। नंबर फोर, नंबर फोर रिजल्ट, अब क्योंकि मार्कर भी एंड पे आ गए तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि ये है कि अगर इफ वन ओवर एक्स के जो है वो टेंस टू प्लस इन्फिनिटी हो और एक्स के जो है वो पॉजिटिव हो फॉर ऑल के, ठीक है, तो क्या होगा, देन देन एक्स के टेंस टू जीरो होगा। नाउ वन ओवर एक्स के जो है वो ग्रेटर देन एम होगा फॉर के ग्रेटर देन एन स्टार, दिस इज बाय डेफिनेशन, क्योंकि अगर वन ओवर एक्स के टेंस टू इन्फिनिटी है तो वन ओवर एक्स के जो है वो ग्रेटर देन एम होगा। अब चूंकि ये पॉजिटिव है सो दिस इम्प्लाई एक्स के जो है वो लेस देन वन ओवर एम होगा, एम इज़ वेरी लार्ज, यू नो यू हैव चूजन एम इज़ वेरी वेरी लार्ज और चूज वन ओवर एम एप्सिलॉन, सो चूज वन ओवर एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, देन एक्स के माइनस जीरो मॉड इज इक्वल टू बेसिकली एक्स के आ जाएगा विच इज लेस देन वन ओवर एम, विच इज लेस देन वन ओवर एम विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, कब बोला, व्हेन के ग्रेटर देन एन स्टार। सो यू सी व्हाट वी हैव डन, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन के ग्रेटर देन एन स्टार आर लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी एक्स के इज इक्वल टू जीरो। इसको यू भी कह सकते हैं आर एक्स के टेंस टू जीरो। देखिए ये लास्ट दोनों रिजल्ट्स को प्रूव करने से इफ एंड ऑनली इफ का रिजल्ट भी बना सकते हैं एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, वो रिजल्ट भी लिख देता हूँ तो वो आप प्रूफ खुद से कर सकते हैं जैसे हमने इसके दो रिजल्ट प्रूव किए हैं। वो क्या बनेगा रिजल्ट, सो दिस रिजल्ट अ लिटिल बेटर देन द प्रीवियस वन, रिजल्ट इज के लेट एक्स के पॉजिटिव फॉर ऑल के देन एक्स के टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स के टेंस टू इन्फिनिटी इफ एंड ऑनली इफ एक्स के टेंस टू इन्फिनिटी इफ एंड ऑनली इफ वन ओवर एक्स के टेंस टू जीरो, या दूसरा भी हो सकता है इसका, लेट एक्स के पॉजिटिव फॉर ऑल के देन एक्स के टेंस टू जीरो इफ एंड ऑनली इफ वन ओवर एक्स के टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन ये दो रिजल्ट जो लास्ट दो रिजल्ट से उनको जोड़ के मैंने ये दो रिजल्ट बना दिए कि अगर सीक्वेंस सारे का सारा पॉजिटिव है फॉर ऑल के लिए तो फिर अगर एक्स के टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है तो वन ओवर एक्स के टेंस टू जीरो होगा, या फिर अगर सीक्वेंस ये भी ये रिजल्ट नंबर वन हो गया, ये रिजल्ट नंबर टू, और दोनों के बैकग्राउंड में ये बात है कि अगर एक्स के पॉजिटिव है
तो फिर एक्स के जो है सीक्वेंस टेंड्स टू जीरो होगा इफ एंड ओनली वन, और एक्स के जो है टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये दोनों रिजल्ट जो है मैंने आपको लास्ट दोनों रिजल्ट को मैंने 3 और 4 नंबर पे प्रूव किया। देखिए ये बहुत आसान था, इजी था, इसमें जस्ट ग्रेटर देन लेस देन लिखना था। सिमिलरली रिजल्ट जो है माइनस इन्फिनिटी के लिए भी रिजल्ट्स हैं जो आप प्रूव खुद से कीजिए, ठीक है, उनको भी आप इस तरह से खुद से रिजल्ट बनाइए माइनस इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, कि जब माइनस यहाँ प्लस इन्फिनिटी के लिए हमने बाउंडेड बिलो लिया था तो माइनस इन्फिनिटी के लिए बाउंडेड अबव बनाइए और फिर दोनों के साम के सीक्वेंस को डाइवर्ज करवाइए टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर दो माइनस इन्फिनिटी को अगर ए एन बी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करता है और बी एन बी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करता है तो उनका सम भी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा, कैसे, कि ए एन लेस देन एम वन होगा माइनस एम वन होगा और बी एन लेस देन माइनस एम टू होगा और ए एन प्लस बी एन लेस देन माइनस एम वन प्लस माइनस एम टू दिस इज इक्वल टू से माइनस एम थ्री। तो ये ए एन प्लस बी एन लेस देन माइनस एम थ्री होगा तो ए एन प्लस बी एन जो है वो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा। फिर सिमिलरली वाई एन एक सीक्वेंस लीजिए, वो जो बाउंडेड अबव है और दूसरा जो सीक्वेंस है एक्स के जो है वो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी है तो इनका सम भी डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली जो है वो आप ये जो लास्ट रिजल्ट है कि अगर एक्स के नेगेटिव है फॉर ऑल के तो और एक्स के जो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी है तो वन ओवर एक्स के डाइवर्जेस टू जीरो होगा। सिमिलरली आप दोनों के दरमियान इफ एंड ऑनली भी बनाइए और अगर टी नेगेटिव है एक्स के टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है और टी नेगेटिव है तो फिर टी एक्स के टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट जो मैंने आपको बताए हैं मैंने थोड़ी सी स्पीड से ये काम किया क्योंकि ये बहुत ही एलिमेंट्री बिल्कुल बच्चों वाले रिजल्ट हैं और आई होप के यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। ओके विद दिस रिमार्क मैं ये कह रहा हूँ कि जी हमारा ये चैप्टर जो है सीक्वेंसेस वाला आर्टिकल आज हम कंप्लीट कर देते हैं। ये फर्दर तो वैसे डिस्कशंस तो बहुत सी हैं, इसको जितना चाहे हम लंबा कर सकते हैं, कोई 20-25 लेक्चर इसके ऊपर और दिए जा सकते हैं सीक्वेंसेस के ऊपर, लेकिन चूँकि हमें बहुत ज़्यादा आगे जाना है, अभी हमें सीरीज़ को पढ़ना है, लिमिट को, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेबिलिटी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड सम अदर टॉपिक्स एज वेल। तो इसलिए आज हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं और कल इंशाल्लाह जो कल मींस जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा वो होगा सीरीज़ से रिलेटेड। तो सीरीज़ का भी पहला लेक्चर जो है चूँकि उसके लिए हमें बेस बनानी है उसको उठाने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा तवज्जो से देखिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।